अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर सईद, शायर, अदीब। और जब बात पापुलेशन की आएगी, जिस पर आज मुझे गुफ्तगू करनी है, तो अपने कते से ही आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि इस तरह से होता रहा लोगों में इजाफा, इस तरह से होता रहा लोगों में इजाफा, फिर देखना ये देखते रह जाएंगे हम लोग। बढ़ती हुई आबादी को रोका नहीं हमने, आते हुए सैलाब में बह जाएंगे हम लोग। तो जब बात होती है पापुलेशन की, तो पापुलेशन इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। और जितनी तेज़ी से इस पापुलेशन में इजाफा होता चला जा रहा है, इसको अगर आज नहीं रोका गया, तो मेरी जो बात है कि इस बहते हुए सैलाब में बह जाएंगे हम लोग, ये यकीनन सच साबित होगी। सारी दुनिया में पापुलेशन के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि अभी तक हमने इस सिलसिले में कोई कानून जो है वो नहीं बना पाए हैं। और कानून शायद एक वजह ये भी है, क्योंकि हम कानून तोड़ने में सबसे आगे हैं, तो शायद यही वजह है कि पता चला दो के चार होने लग जाएं। मैंने एक जगह पढ़ा कि तीसरी आलमी जो जंग होगी वो पानी के ऊपर होगी। तो जाहिर है कि जब आपकी आबादी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो एक वक्त आएगा, हम बचपन में थे, हमें नहीं मालूम था कि कभी पानी की शॉर्टेज हुआ करेगी। मैं तस्वुर नहीं कर सकता था कि गैस की लोड शेडिंग हुआ करेगी। आज हम यहाँ तक पहुँच गए, और इस वक्त यहाँ पर मौजूद होने के बाद भी हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। हमें इस कानून बनाने पड़ेंगे, दो बेसिक जो मैंने बताया आपको, कि हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी अपने नौजवानों को, नए आने वाले बच्चों को, और साथ ही साथ कानून पर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, तभी हम जाकर कोई बेहतर इकदाम कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन गुजारिशात पर अमल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।